share a few messages. Hi everybody, good morning. हम लोग यहाँ पे रूपकुंड ट्रैक पे आए हैं और हमारा एक मकसद होता है, हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी ट्रैक पे जाते हैं, वहाँ पे एक नीट एंड क्लीन का, साफ सफाई का हम लोग खास ध्यान रखते हैं। तो मैं, हमारी टीम यहाँ पे है, सारे लोग यहाँ पे अभी रूपकुंड ट्रैक से आए हैं, रूपकुंड ट्रैक के लिए आए हैं। मुंबई से मेरी टीम है। सर, मैं आपसे थोड़ा इस ट्रैक के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर आके कैसा लगा और ये रूपकुंड ट्रैक कैसा लगा आपको? ये ट्रैक काफ़ी बढ़िया था और हमने काफ़ी कुछ सीखा। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो हम जनता को देना चाहेंगे कि जब भी आप ट्रैक करते हो, वहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि प्लास्टिक रैपर्स कुछ भी खा के फेंकते हैं। तो हमारी एक ही दरख्वास्त होगी आप सबसे, कहीं पे भी आप ऐसे प्लास्टिक और बॉटल्स देखते हो प्लास्टिक की, वो उठा के आप अपने कहीं पे बैग में कहीं पे डाल दो और नीचे कहाँ पे आपको बिन मिलता है वहाँ पे ही वो ट्रैश करें। ऐसे कहीं पे भी ना फेंकें, जो मदर नेचर है उसको सेव करें, एनवायरनमेंट को सेव करें, उससे हम सबका भला होगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी बहुत अच्छी बात कही। हमारा यही मकसद होता है कि क्लीन हिमालयाज, सेफ हिमालयाज करके right. हमारे जो पॉइंट्स हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस गार्बेज के बारे में थोड़ा सा? सर, आपने हमारा इतना ख्याल रखा है, हम इतना तो कर ही सकते हैं। हम सेफ पूरा क्लीन रखेंगे हिमालयाज और पूरा टेंट वेंट सब साफ सुथरा रखेंगे। थोड़ा जोड़ा बहुत जो कचरा दिखता है वो नीचे लेके जाके डंप कर सकते हैं। सर, आप जो अदर्स कंपनियां यहां पर आती हैं और सारे लोग जो सोलो ट्रैक करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जो भी सोलो ट्रैकर्स है, व्हाट वी कैन टेल देम इज दैट कि अपने पास एक खुद का गार्बेज का एक बैग रखे, तो ओवर द ट्रैक जो भी कचरा हो रहा है, जो भी रैपर्स हो रहे हैं, वो उसमें डंप करे एंड नीचे जाके फाइनली म्यूनसिपैलिटी के यू नो गार्बेज कैन में डंप कर दे, ताकि यहाँ ये जो इतना ब्यूटीफुल मेडोज है, इतना जो ब्यूटीफुल ट्रैक है, उसमें ऑन द वे चलते वक्त कहाँ भी हमें कोई भी कचरा ना दिखे। क्योंकि जब हम चलते हैं एंड हमको वो कचरा दिखता है, तो हमको लगता है कि यार कि ये ऐसे कैसे, इतना अच्छा ट्रैक है, इतना अच्छा हिमालयाज है, गंदा हो रहा है। तो वैसा कोई भी ना करे और हम भी नहीं करेंगे, ये हम पक्का करेंगे हमारे साइड से। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सर, आप भी हमारे टीम से हैं, आपको कैसा लगा यहाँ पे, कितना नीट और क्लीन लगा ये ट्रैक? मतलब कितना, काफ़ी सारे कुछ गार्बेज हमने देखे रास्ते में पड़े हुए, तो काफ़ी मुझे भी काफ़ी बुरा लगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर ऐसे लोगों को जो ऐसे प्लास्टिक के रैपर फेंक देते हैं रोड में? जी, ये अपना सिटी तो है नहीं कि यहाँ पे आप कचरा डाल दो कहीं पे भी। बहुत ही नीट एंड क्लीन जगह है और उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे ही रखे सब लोग। जनरली क्या होता है कि आपके जो ट्रैक ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन लोग के पास एक गार्बेज का बड़ा बैग रहता है, तो मेक श्योर कि आप जितना भी आपका कचरा है, जो भी प्लास्टिक बॉटल जो आपको फेंकना है या सोप जो भी आप यूज़ करते हो, पेपर सोप, ये वो, ये सब उठा के आप प्लीज़ वहाँ पे डाल दो। एनी टिश्यू पेपर्स जो भी है आप उनके पास दे दो या तो फिर वो बैग में डाल दो। वो लोग क्या करते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऐसा बैग, ये पूरा बैग नीचे लेके जाके, हाँ मेन जो भी उन लोग का डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पे डाला जाएगा, ताकि यहाँ पे कोई कचरा ना हो और ये पूरा क्लीन रहे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी टीम का जो गार्बेज था, हम लोगों ने अभी इकट्ठा करके रखा हुआ है और भगवावासा से लेकर के और टोटल जहाँ जहाँ भी हमने कैंपिंग की है, हम लोगों ने जो है ये अभी गार्बेज इकट्ठा करके रखा हुआ है और हम लोग इसको अभी लोहाजंग बेस कैंप पे लेके जाएंगे। और काफ़ी, जब हमारे पास दो तीन बैग पूरे सारे बैचेस के इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हम लोग इसको काठगोदाम या फिर हरिद्वार या फिर देहरादून, जहाँ भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का डंपिंग ग्राउंड होता है, वहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? दिस इज़ अ वेरी डिवाइन प्लेस एज यू कैन सी। द थिंग इज, वेन यू लिटर अराउंड, यू डोंट फील लाइक वॉकिंग, आई मीन यू कैन नॉट एन्जॉय इट टू द फुलेस्ट। पीपल कैरी अननेसेसरी वेट लाइक स्पीकर्स एक्सेट्रा, दीज रैपर्स वेट नथिंग, सो इट्स बेटर यू कैरी इट विथ यू टिल द बेस कैंप एंड देन डंप इट इन द सैक विच दे आर गिविंग। थैंक यू, एन्जॉय ट्रैकिंग। सर, आप भी हमारी टीम से हैं, थोड़ा सा अगर आप भी कुछ मैसेज दे दें। मैं आखिरी में सिर्फ इतना ही बोलूंगा, जैसे आप अपना घर को साफ रखते हो, वैसे ही ये इस जगह को भी साफ रखिए। बिकॉज आप जहां पर भी जाते हो, अपना मान के चलिए, भले ही पहाड़ हो, सादा रोड हो, जहां पर भी जाते हो,
अपना मान के अपना मान के चलिए, अभी आप हिमालय में हो, आपको सुंदरता चाहिए तो जितना हो सके आप कम से कम गंदगी करिए, और हो सके तो अपने पास एक बैग रखिए ताकि आपका कहीं फेंक ना सके कुछ गंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हिमालय हेवन टीम के लिए एक मैसेज हमारे तरफ से, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और आप ये जो भी कॉज कर रहे हैं इस सब से मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को मैसेज जाएगा। सो गाइस, 3 चीयर्स टू हिमालय हेवन। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। थैंक यू सर। तो मैं भी कुछ अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं इतनी सुंदर वादियाँ यहाँ पे, वेदनी बुग्याल जो हमारा ये कैंप साइट है, बहुत खूबसूरत कैंप साइट है। तो आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि आप भी इसको नीट और क्लीन रखने में हम लोगों का थोड़ा सा हेल्प कीजिए, और जो भी आपके प्लास्टिक रैपर्स, आपके टॉफीज़ के जो भी रैपर्स हैं जो बिल्कुल भी यहाँ पे प्रकृति को नुकसान पहुँचा सकता है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आप कम से कम ट्रैक पे कीजिए, और ताकि यहाँ पे सुंदरता और स्वच्छता बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आप लोगों का। थैंक यू।